फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टी एस एजुकेशन अकेडमी। सो केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों एक बिग अपडेट आ रही है, जो कि चार अलग अलग स्कूलों से निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों भर्ती को लेकर, इसके साथ साथ है इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, इसके साथ दोस्तों रिजल्ट को लेकर, जो कि ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम दोस्तों क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन वगैरह इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं चार अलग अलग केवी विद्यालय की नोटिफिकेशन को, और वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों एक नोटिफिकेशन आ रही है केवी विद्यालय से, जहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, जहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो यहाँ इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपकी, किसी भी मान्यता प्राप्त से, मतलब मेनली एमए की डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस 50% दोस्तों आपकी बीएड में होनी चाहिए। और पीजीटी कंप्यूटर की आ रही है दोस्तों, तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बी या बीटेक या बीएससी आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा टीजीटी अंग्रेजी की आ रही है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस टेट क्वालिफाइड होना चाहिए दोस्तों, ये कंपलसरी है। इसके अलावा पीआरटी की वैकेंसीज आ रही है प्राथमिक शिक्षक, तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट समकक्ष जेबीटी बीटीसी या बीई होनी चाहिए दोस्तों, प्लस आपका टेट भी सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्यूटर अनुदेशक की आ रही है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय द्वारा कम 50% अंकों के साथ दोस्तों एक वर्ष की कंप्यूटर अनुप्रयोग संबंधित डिप्लोमा या बीसीए या एमसीए आपने की हो, तब आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा योगा की आ रही है वैकेंसी दोस्तों, तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस एक वर्ष की अवधि की योग प्रशिक्षण या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट दोस्तों। इसके अलावा खेल प्रशिक्षक की आ रही है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की, इसके लिए आपके संबंधित क्षेत्र में NSN या फिर NIS से डिग्री या डिप्लोमा या राष्ट्रीय राज्य अंतर विश्वविद्यालय खेलों से प्रतिभागिता उपयोगिता सहित BPED या MPED आपने दोस्तों उत्तीर्ण की हो। स्टाफ नर्स की आ रही है, तो इसके लिए आपके किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग या डिप्लोमा आपने की हो दोस्तों, और साथ में अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, तो काउंसलर के लिए आपका शैक्षणिक परामर्श के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, भारतीय पुनर्वास परिषद या परामर्शक के रूप में पंजीकरण या रोजगार ब्यूरो में कार्य करने का ज्ञान अनुभव रखने वाली हो, और इसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA या BSc मनोवैज्ञानिक में यानी साइकोलॉजी में सहित परामर्शन के क्षेत्र में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा धारक कर्मचारी ही एजेंसी के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। तो दोस्तों ये चाहिए आपका काउंसिल पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ अप्लाई करना, सिंपली आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.2chakerikvs.ac.in पे, और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। और वैकेंसी आ रही फ्रेंड निकल के आपके केवी विद्यालय चकेरी कानपुर से, कह रहा है ये पूर्णता अस्थायी संविदा आधार पर विभिन्न पदों का हेतु पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, और 25/2 से लेकर 20/3 तक दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं 9 से 11 बजे तक। पूरी तरह से भरे मूल आवेदन पत्र एवं प्रमाणित संलग्नों के पत्र, पद पात्रता के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां सहित 20/3 तक आप दोस्तों जमा कराए जाएंगे। तो आप सिंपली स्कूल जाके दोस्तों ये विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी है फ्रेंड। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चलते हैं, आपको दिखाता हूँ दोस्तों कहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो वहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे केंद्रीय विद्यालय AFS चकेरी कानपुर की तरफ से, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रिवाइज डेट दोस्तों, ये न्यू आपकी लिंक है जो पहले दोस्तों ख़त्म कर दी गई थी, बट दोबारा से रिवाइज डेट आई है, जो कि दोस्तों 20 मार्च 2022 तक वैलिड है। तो आप इस तारीख तक दोस्तों इस स्कूलों में, इन स्कूलों में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली स्कूल थी दोस्तों जहाँ से वैकेंसी आ रही थी। अब नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं और देखते हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स आपके केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद कैंट की तरफ से, तो कह रहा है एज पर द टर्म्स कंडीशन KVS वर्किंग इंटरव्यू फॉर द पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 शेड्यूल एज पर द गिवन
विलोम। तो यहाँ पे दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। पीजीटी में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और वाणिज्य अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आ रही है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री प्लस बीएड में दोस्तों आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी टीजीटी में वैकेंसी आ रही है फ्रेंड्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन बीएड विथ 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, और साथ में आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू बात करें दोस्तों तो 19 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ रही है यहाँ पे, इसकी वॉकिंग इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक और इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान यानी पीजीटी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रही है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद मिनिमम 50% या बीसीए, बीएससी या एमसीए, एमसीएम आपने की हो। इसका इंटरव्यू दोस्तों आपका 21 मार्च को करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ रही है, कोच आर्ट्स एंड क्राफ्ट, योगा टीचर, गेम्स, स्पोर्ट्स कोच। इसके अलावा नर्स की वैकेंसी आ रही है, डॉक्टर की आ रही है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आ रही है, काउंसलर की आ रही है। काउंसलर के लिए दोस्तों एमए आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए और 1 साल का विशेष डिप्लोमा या गाइडेंस काउंसलिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सारी वैकेंसी आ रही है दोस्तों आपकी यहाँ से, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से जो वॉकिंग इंटरव्यू है दोस्तों इस स्कूल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर के दोस्तों आप जो भी डेट ऑफ इंटरव्यू है वहाँ पे दोस्तों आपको पहुँचना होगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। अब मैं आपको दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर आप आएँगे KBS औरंगाबाद कैंट शिफ्ट 1 और 2, यहाँ पर आएंगे दोस्तों आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एडवर्टीजमेंट पर, तो आपको पहले नंबर पर ये दिख जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फॉर्मेट मिलेगा आपको जिससे भर के आपको लेके जाना है फ्रेंड। तो ये सारी ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस फाइल डाटा को दोस्तों भर के ले जाएंगे इंटरव्यू के दिन में। इन की भी वैकेंसी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड। तीसरी जो अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 IOS बरौनी बिहार की तरफ से आ रही है फ्रेंड, जो कि है आपका रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड टीचर इंटरव्यू 2022। तो फाइनली दोस्तों जिनका इंटरव्यू हुआ था उनकी लिस्ट आ गई है, कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। तो ये दोस्तों ये सेशन 2022-23 के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पीजीटी फिजिक्स में, और इसके अलावा दोस्तों आपका टीजीटी इंग्लिश में ये बच्चे हैं आपके, इन अपने अपने नाम दोस्तों देख लीजिए। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय बरौनी में PRT के लिए इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सारे दोस्तों अपॉइंटमेंट होगा, तो ये आप अपने अपने स्कोर्स को दोस्तों रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा योगा टीचर के लिए बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एक गेम कोच के लिए। तो ये सारे बच्चे दोस्तों बिहार बरौनी में जो वॉकिंग इंटरव्यू हुआ था उसके लिए सिलेक्ट किए गए। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बधाई हो दोस्तों, और मैं प्रे करता हूँ कि आप लोगों की पोस्टिंग जल्द से जल्द हो जाए। नाउ नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों कौन से केंद्रीय विद्यालय से आ रही है। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय नरेला दिल्ली की तरफ से आ रही है। जब यहाँ पे अनाउंसमेंट के साइड पे आप आएंगे तो ये नोटिफिकेशन देखिए, नोटिस फॉर द वॉक इन इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड टीचर अपॉइंटमेंट विल नॉट बी डन एट विद्यालय लेवल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरव्यू होता है दोस्तों वॉकिंग स्कूल लेवल पर होता है, वो वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए विल नॉट बी डन इन द विद्यालय लेवल फॉर सेशन 22-23। तो नरेला में दोस्तों ये 22 सेशन वॉकिंग इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड ऑन द विद्यालय वेबसाइट नोटिस बोर्ड एज एंड वेन रिवाइज फ्रॉम द कंसर्न ऑफिस इज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये क्लियर कर दिया गया है, और KV नरेला में वॉकिंग इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, और आपको मेन जो वैकेंसीज आती है KV की उसके उसमें ही आपको इंतजार करना पड़ेगा और वहाँ पे ही आप अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 से 4 स्कूल्स को कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड। अगर हमारी बातें समझ में आई दोस्तों और कोई डाउट नहीं रहता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।